Good morning students, how are you all? I hope you are doing good. Okay, so let's start today class. Today we are going to learn a story from our third chapter. Okay, the name of the chapter is Hirono ki Sabha. The name of the chapter is Hirono ki Sabha. Hirono means toys. आपस में बातचीत करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप? मीटिंग है ना? तो ऐसे ही आपके ये सारे खिलौने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं. ओके, सभा कर रहे हैं. सो देयर आर थ्री कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. देयर आर थ्री कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. माँ सावरी मनु. माँ सावरी मनु. ओके, नाउ शी इज अ सावरी. ओके, एंड ही इज अ मनु. ओके, सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं. मतलब क्या इसका? मतलब सावरी और मनु स्कूल से आके अपना बैग टेबल पर रखते हैं. सावरी कहती है, माँ बहुत भूख लगी है. क्या कह रही है सावरी? माँ बहुत भूख लगी है. फिर सावरी की मम्मा कहती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो. क्या बोल रही है सावरी की मम्मा? कि खाना तैयार है, जल्दी से ड्रेस चेंज कर हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ. ऐसे ही आपको भी अपनी मम्मा का कहना मानना चाहिए. स्कूल से जाकर ड्रेस चेंज कर हाथ मुंह धोकर फिर खाना खाना चाहिए. ओके, फिर सावरी, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना है ना. ऐसे ही आपका भी मनपसंद खाना आपकी मम्मा बनाती होगी ना. तो सावरी का मनपसंद खाना क्या था? राजमा चावल. मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं. रसोई मीन्स किचन. रसोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? किचन. तो ये दोनों अपनी प्लेट कहाँ ले जाके रखते हैं? किचन में. मनु तब तक मेज साफ कर देता है. मेज मतलब टेबल. ओके, क्या करता है मनु? मेज को साफ कर देता है. तो आपको भी आपकी मम्मी की स्मॉल हेल्प करना चाहिए. खाना खाकर प्लेट किचन में रखना चाहिए और मम्मी के साथ मेज मिलकर साफ करना चाहिए. ओके, फिर दोनों क्या करते हैं? अपना गृह कार्य करते हैं. गृह कार्य मीन्स होमवर्क. दोनों मिलकर क्या करते हैं? अपना होमवर्क करते हैं. तभी उनके कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी हुई है. क्या रखी है? पिटारी. पिटारी मीन्स जो लकड़ी का बॉक्स आता है उसे बोलते हैं हम पिटारी. ओके, थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी में से मुंह निकालकर देखते हैं, झांकते हैं, है ना. तभी वहां एक गुड़िया कहती है, अब सावरी और मनु मेरे साथ खेलेंगे. सावरी और मनु मेरे साथ खेलेंगे. फिर क्या होता है? मनु और सावरी अपना गृह कार्य करकर मनु और सावरी अपना गृह कार्य कंप्लीट करकर कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं. और फिर रात का खाना खाकर मतलब डिनर कर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाते हैं. फिर धीरे से वहां से उनकी पिटारी में से फुटबॉल आती है ना. और उदास होकर कहती है, ऐसा ही रहा तो सावरी और मनु तो हमारे साथ खेलेंगे ही नहीं. मैं तो पड़े पड़े पिचक गई हूँ, है ना.
या मुझे तो पार्क भी नहीं ले जाते हैं खेलने के लिए, है ना। फिर दीदी से लूडो आगे आके बोलती है ना, उदास होकर कहती है, हाँ सावरी और मनु तो मेरे साथ भी नहीं खेलते है, मेरे से मेरी पोलियां भी बिछुड़ गई है। बिछुड़ गई मतलब अलग हो गई है। ओके, उसके बाद बेड बोलता है, हाँ भाई मेरे साथ भी कोई नहीं खेलता, मुझे कोई बाहर भी नहीं ले जाता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है। आपसे आपके ही सारे खिलौने क्या है, उदास है। तो अब आपको ये भी जानना होगा ना कि और हमारे कौन से खिलौने हमसे उदास हो गए हैं। ओके, तो इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी टिल हियर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।